एक साल से भी ज्यादा समय का वेटिंग पीरियड वाला थार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी काफी डिमांड में है। लेकिन कैसे सेना के लिए बनाए गए इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया, इसी स्टोरी को ही आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान ही महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वॉर जब अपने चरम पर था तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए फाइटर प्लेन्स और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्रक और प्लेन्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये साइज में बड़ा होने की वजह से हर जगह नहीं जा सकते थे और दूसरा ये बहुत ज्यादा महंगे भी थे। ऐसे में अमेरिका को अर्जेंटली एक ऐसे व्हीकल की जरूरत पड़ी जो कि सस्ता, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के साथ ही मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर इस व्हीकल को हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना ने देश भर की करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत फोर व्हील ड्राइव कार के प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन चूंकि सेना ने ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 49 दिन का समय दिया था, इसीलिए 135 में से सिर्फ दो कंपनीज बैंटम और विलेज ओवरलैंड ने ही सेना के इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था। विलेज का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट तैयार था और उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा सा समय और मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीं बैंटम कंपनी की अगर बात करें तो वो 49 दिन के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में सफल रहे थे और सेना को भी उनकी कार का डिजाइन पसंद आ गया था। लेकिन बैंटम उस समय एक बहुत छोटी कंपनी थी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो आर्मी की डिमांड को टाइम पर पूरा कर सके। इसीलिए सेना ने बैंटम का वो डिजाइन फोर्ड और विलीज इन दोनों कंपनीज को दे दिया और उनसे कहा गया कि वो इस डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल को प्रेजेंट करें। इसके बाद से इन दोनों कंपनीज ने आर्मी के सामने इस कार के अपने अपने वर्जन पेश किए, जिन्हें बारीकी से परखने के बाद से विलीज के वर्जन को इस कार का स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। अब चूंकि इस कार के लिए विलेज का डिजाइन फाइनल हुआ था, ऐसे में इसके सभी लीगल राइट्स भी विलेज कंपनी के ही नाम किए गए, जहां विलेज ने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाकर अपने इस कार को विलेज जीप का नाम दे दिया और इस तरह से उस फेमस जीप कार की शुरुआत हुई जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। दरअसल ये कार किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम थी, साथ ही ये इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हमलों को भी ये आराम से झेल लेती थी। और इन्हीं सभी खूबियों की वजह से ही जीप तुरंत ही वर्ल्ड वार का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वर्ल्ड वार टू के लिए करीब 600,000 जीप बनाई गई थी। अब दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वार चला तब तक ये कार काफी डिमांड में रही, लेकिन 1945 में वॉर खत्म होने के बाद से इस कार की डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गई और अमेरिकी सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस घाटे के सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी ने जीप को आम लोगों में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली थी वैसी सक्सेस इसे शहर की आम सड़कों पर नहीं मिल पाई। दरअसल वॉर में यूज होने की वजह से जीप की छवि एक सोल्जर्स कार की बन गई थी और इसी के चलते कोई भी इसे एक नॉर्मल डे टू डे कार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और कुछ साल तक तो ये कंपनी जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेल्स करके ही सर्वाइव करती रही, लेकिन सेल्स के लगातार कम होने की वजह से कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक समय ऐसा आया कि कंपनी पर बंद होने तक का खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, यही वो टाइम था जहां इस स्टोरी में महिंद्रा कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेसी और केसी महिंद्रा की एंट्री हुई। असल में केसी महिंद्रा ने अपनी लाइफ के कुछ साल अमेरिका में भी बिताए थे और वहीं पर उन्होंने जीप को पहली बार देखा था। अमेरिका में जीप को देखकर वे इस व्हीकल से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उसी समय ही इस कार को इंडिया लाने का फैसला कर लिया था और अपने इसी सपने को ही पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने विलीज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप के CJ2A मॉडल को इंडिया में इम्पोर्ट करने की डील साइन कर ली और इस तरह से 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत लेकर आए। अब वैसे तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी इसका प्राइस इतना कम नहीं था कि भारत के आम लोग इसे परचेज कर सकें। इसीलिए शुरुआत में ये इंडियन मार्केट के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, जीप के इंडियन मार्केट में फेल होने पर भी महिंद्रा कंपनी ने हार नहीं मानी और साल 1960 की शुरुआत में उन्होंने विलेज कंपनी के साथ में एक और डील साइन की और जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से जीप का प्राइस और भी ज्यादा कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही महिंद्रा ने जीप के अंदर कुछ बुनियादी बदलाव भी किए
जैसे कि इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव को इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया गया, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेज नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जीप जो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में आती थी, महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में इसके डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया। और दोस्तों इसी तरह से उन्होंने इस कार में और भी बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई थी। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को एक्वायर कर लिया था। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और इसका हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन दोस्तों 40 साल की ये सफलता 90s के दौर से घटनी शुरू हो गई और शुरुआती 2000 में जब महिंद्रा ने ब्लोरो और स्कॉर्पियो जैसे कार्स लॉन्च की तो फिर उनके सामने जीप लोगों को आउटडेटेड लगने लगी। दरअसल एक ऑफ रोड कार के रूप में लोग अब जीप की जगह पर ब्लोरो और स्कॉर्पियो जैसी ज्यादा बड़ी और लग्जरी SUVs को पसंद करने लगे थे। इसी के चलते जो जादू जीप ने 70s और 80s के दौर में क्रिएट किया था वो 2000 में आकर पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी जो कि कई दशकों से जीप की एक लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीप का इस तरह से फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को जल्दी किसी ऐसी ऑफ रोड कार की जरूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके। और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 जैसे कार्स के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसीलिए लॉन्च होते ही इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इसके बावजूद भी इस कार को वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसे कि कंपनी ने उम्मीद की थी। इसी के चलते महिंद्रा ने थार की इस फर्स्ट जनरेशन को 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर इस कार में कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में इसकी सेकेंड जनरेशन को भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों थार की ये सेकेंड जनरेशन पहले वाले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल थी, इसीलिए इस बार लोगों के बीच में थार का जादू चल गया। और ये जादू कुछ ऐसे चला कि लॉन्च होते ही ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करें तो इस समय थार इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड में है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा का चल रहा है और इसकी सेल्स लगातार आसमान को छू रही है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.